जैसे हमने आपको एक दिन चर्चा करते हुए बताया था किस तरह से हम हल्दी का दूध, अदरक आदि का सेवन, लहसुन आदि का सेवन, तो ये जो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक सहज उपलब्ध उपाय हैं, ये ऋषियों की हमारे लिए देन है, उनका हमारे ऊपर उपकार है। इसीलिए हम शास्त्रों में भी इसलिए हम कहते हैं मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः, यानी कि हम पैदा होते ही कहते हैं कि जिसकी माता धार्मिकी है, पिता विद्वान है, अच्छे गुरुजनों का आश्रय है, तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। इसीलिए हम पितृऋण देव ऋण और हम इसकी कल्पनाएं करते हैं। हम लोग ऋषि ऋण है, पितृऋण है, देव ऋण है, ये तीन ऋणों के लिए हम कहते हैं हम जिस दिन पैदा होते हैं, जिस दिन धरती में आ जाते हैं, तीनों ऋणों से हम उस समय पर जकड़े हुए होते हैं। उन तीन ऋणों को स्मरण रखने के लिए जब हमारी बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाती है तो हमारे यहाँ जो परंपरा रही उपनयन की, जिसको जनेऊ या यज्ञोपवीत कहते हैं, उन तीन ऋणों से हम बंधे हुए हैं, तीन ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो तीन ऋण कौन से हैं कि जो माता पिता ने जो हमको उपकार किया इस धरा पर ला करके, विद्या से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, जितने भी कष्ट को सहन करते हैं, वो ऋण हमारे सर पर हमेशा होता है, हम उसको भूले नहीं। इसी तरह से देव ऋण क्या है कि जितने भी, चाहे वो जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, नदियां हैं, वृक्ष हैं, जितने भी अखंड जो ये ब्रह्मांड है, वो उसका हमारे ऊपर ऋण है। जिस जल से हम प्राण पाते हैं, जिस अन्न से जीवन पाते हैं, फिर इसी तरह से जो ऋषि लोग हुए, जितने भी हमारे पूर्वज हुए, उन पूर्वजों ने हमारे लिए जितना जो उपकार किया है, एक एक ऋषि ने अपने आप को कणाद जैसे ऋषि हुए, हमारे यहाँ दधीची जैसे ऋषि हुए, उन्होंने किसी जाति के लिए, किसी कास्ट के लिए, आज जाति के नाम पर, आज धर्म के नाम पर जो एक लड़ाई और झगड़ा, यदि आप थोड़ा सा प्राचीन काल की ओर दृष्टिपात करोगे तो उन्होंने मनुष्य मात्र की बात करी, उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि इसका प्रयोग कौन करेगा, उन्होंने ये देखा कि मानवता जो पीड़ित है, उस मानवता की पीड़ा को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी तो प्रार्थनाएं भी वह बहुवचनांतक हैं, हमने सबके लिए बात करी, हमने ये नहीं कहा कि वो भगवान मेरे को मोक्ष दे दे, हमने तो सबको ले जाने की बात करी, हमने नहीं कहा कि भगवान तू मुझे ही सिर्फ सुख दे दे, हमने सबके लिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, ये हमने प्रार्थनाएं करी। तो इसीलिए इस चीज़ को हम समझें, और अब भी नहीं समझें तो हम कब समझ पाएंगे।